आज आपको आईना दिखाने का, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का, जो ऐसे भटकाए जाता है हम लोग अलग अलग गलत मुद्दों में, सही मुद्दों की बात करें, अपने बच्चों के भविष्य की बात करें, अपने सड़कों के लिए, अपने बिजली के लिए, अपना जो मूलभूत समस्या है उसकी हम बात करें। जन स्वराज क्यों आया आपके बीच में? लगातार हम ठगे जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग वादों से, अलग अलग बातों से, तो आपको जगा करके हम कहीं, हमारे जो संगठन है, जो हमारा अभियान, हम किसी से वोट मांगने नहीं जाते, हम आपको केवल आईना दिखा रहे हैं कि आप जागिए, आप सही व्यक्ति को चुनिए। ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती है और न केवल बिहार, पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रशांत किशोर जी जो आपके बीच बैठे हैं, उन्होंने चाणक्य की भूमिका निभाई है, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया है। अब आप लोगों में से चंद्रगुप्त को चुनने आए हैं, कोई वार्ड के लिए, कोई जिला परिषद के लिए, कोई विधायक के लिए, कोई सांसद के लिए, मुखिया के लिए, कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, कौन स्वच्छ छवि का उम्मीदवार होगा? जो हमारा नारा है, सही लोग, सामूहिक प्रयास, सही सोच के लोग, एक साथ हम लोग आए और आकर के बिहार की दशा और दिशा को बदलें। तो बहुत वक्त नहीं लेते हुए आप सबको जो है, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि खुशनसीबी दरवाजे पे केवल एक बार ठकठकाता है, बदनसीबी तो पिछले 30-40 साल से ठकठका ही रहा है। तो आप लोग दरवाजा को खोलिए, स्वीकारिए, एक ऐतिहासिक यात्रा और एक ऐतिहासिक व्यक्ति आपके बीच में है, जो सब कुछ छोड़ करके, जिसके खाते में करोड़ों रुपए हो, खाते का कहने का मतलब ईमानदारी का कमाया हुआ पैसा, जिसके पास करोड़ों रुपए खाते में, वो सब कुछ छोड़ करके एक साल से आपके लिए पैदल चल रहा है। 2 अक्टूबर को एक साल पूरा हो गया, 9 जिला पार किया, पैर का नस फट गया, डॉक्टर मना किया, तो भी लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति केवल आपको जगाने आया है, और अगर आज नहीं जगेंगे तो कोई दोबारा ऐसा हिम्मत बिहार को बदलने का नहीं कर पाएगा। तो आप सब लोगों को मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार नारा लगा करके अपनी सहमति दिखाएं और हमारे नेता को सुने और उनके विचारों के साथ जुड़े। जय बिहार, जय जन स्वराज।